मैं आपसे एक बार एक पहले वर्ल्ड व्यू से शुरुआत करना चाहूँगा। हमने पिछले 18 महीने बाजार में करेक्शन देखा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स चलते रहे। जी, इस समय इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबल ग्रोथ पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, दुनिया में तो जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, जो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, जापान है, दे आर ऑल बिकमिंग ओल्डर। और इट वॉज इनएविटेबल कि जैसे आप बूढ़े होंगे आपकी इनकम कम होती जाएगी, एंड वो जीडीपी शेयर जो उनकी दुनिया में थी वो कम होनी चाहिए। उसको चलाते रहने के लिए, वेदर 2008 की क्राइसिस में या कोविड के बाद, इन्होंने इतने नोट छापे कि $25 ट्रिलियन क्यूमुलेटिवली इनके सेंट्रल बैंकों ने प्रिंट किया। तो जो ग्लोबल जीडीपी थी उसको ऑप्टिकली आपने 75 से 100 कर दिया, बट रियल जीडीपी तो ग्रो नहीं हो सकती है खाली नोट छापने से। इसलिए इन्फ्लेशन उसका इफेक्ट है कि वही चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, और वो उनको डैम्पन करने के लिए उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया, जो कि शॉक लगना चाहिए था सिस्टम को। बट इन्होंने इतने नोट प्रिंट कर दिए हैं कि इतना जो वेल्थ है, जो कि वहाँ के जो हम कहते हैं बेबी बूमर जनरेशन है, जो 1960s वर्ल्ड वॉर से 1960s तक जो पैदा हुए थे, या जो जनरेशन एक्स है जो 60s से 80s तक पैदा हुए थे, दे आर एवरेज बिटवीन 50 to 70 ईयर्स। तो ये इनकम पे इनका इफेक्ट होने वाला है नहीं, क्योंकि वेल्थ, ये लोग वेल्थ से खर्चा कर रहे हैं। तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाइए, इन पर कोई बहुत खास असर होने वाला है नहीं। एंड देयरफॉर माई व्यू इज़ कि ये इंटरेस्ट रेट मे स्टे लॉन्गर एंड स्टे हायर देन वॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग ओवर देयर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पूरे दुनिया भर के अंदर ट्रैवल करते हैं, आप कैसा देख रहे हैं इस समय, यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, US की बात करें? एक तो होता है जो रिपोर्ट होता है इकोनॉमी के इंडिकेटर्स, एक होता है रियल ऑन ग्राउंड। मामला काफ़ी ख़राब है आपको लगता है स्ट्रक्चरली? ऑन ग्राउंड डेफिनेटली थिंग्स आर बैड। स्टॉक मार्केट वहाँ के डिस्गाइज कर रहे हैं जो रियलिटी है। जैसे अमेरिकन मार्केट में जो टॉप 8 कंपनीज हैं, उन्होंने मार्केट को पकड़ रखा है ऊपर, जो फैंग मैंट जो हम लोग नाम कहते हैं। बट जो 490 कंपनी है उनके टॉप 500 में, दे हैव बीन डिक्लाइनिंग। और जो सोशल कंडीशन आपको सड़कों पे भी दिखते हैं, होमलेसनेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर डीके हो गया है, जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है अमेरिका में तो खैर फिर भी बरकरार है। बट लैरी समर्स ने बहुत अच्छी एक्सप्रेशन दी कि बोली, चाइना हैज़ बिकम अ जेल, जापान इज़ अ हॉस्पिटल, एंड यूरोप इज़ अ नर्सिंग होम। क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, या जैसे चाइना में एकदम लेफ्टिस्ट टर्न हो गया है, तो देर इज़ ट्रबल इन द वर्ल्ड। और ये ऊंचे इंटरेस्ट रेट में जो के शेप हम इंडिया में बात करते हैं, वहाँ पे तो बहुत एविडेंट है कि 75% वेल्थ इज़ विद दिस बेबी बूमर एंड नेक्स्ट जनरेशन। तो उनको इनकम पे या इंटरेस्ट रेट पे कोई असर नहीं दिख रहा है, तो वो कंज्यूम करते रह रहे हैं। नीचे वाले एकदम बुरी हालत में, इसलिए लुई विटॉन का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। लुई विटॉन गोज टू ऑल हाई एंड डॉलर जनरल गोज टू न्यू लो। क्या बात, ये दुनिया हो गई है। तो ये बताइए कि ऐसे में, हाँ जी, इंडिया जो एक सुपीरियर ग्रोथ की वजह से एक चमकता हुआ सितारा है, IMF ने कहा, सभी ने कहा, मैकिंजी ने कहा, ये डेकेड नहीं, सेंचुरी हमारी है, अब इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये एकदम जो हम कहते हैं ना, ऑल इवेंट्स हैव कंस्पायर्ड कि इंडिया के फ़ायदे में चीज़ होए। क्योंकि जैसे लोगों को वहाँ वर्क फ्रॉम होम की आदत लग गई, या वेल्थ इफेक्ट के कारण उनको काम पर वापस नहीं आना है, या उन्हें फाइनली रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो अब वो आपके पास वर्कर मिलेंगे कहाँ से? प्लस ये जो ब्रेक्सिट एंड इमिग्रेशन के जो फाइट चालू हो गए हैं सब जगह, तो जो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी थी वो भी बंद हो गई। सो अब इफ़ यू नीड लार्ज क्वालिटी स्किल्ड मैन पावर, वेदर फॉर सर्विसेज और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और आपको चाइना से भी डील नहीं करना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो एट स्केल फर्स्ट टाइम ये हो गया है कि इंडिया से आप बैक ऑफिस भी यहाँ बनाइए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी यहाँ लीजिए, और यहाँ से मटेरियल भी बनाइए। और उसका जो जैसे बोलते हैं आहा मोमेंट हुआ, जब एप्पल ने कहा कि हम इंडिया में आके केवल इस साल का तो रन रेट 10 बिलियन एक्सपोर्ट का है आफ्टर मेकिंग आईफोन हियर, बट ये 100 बिलियन की टारगेट है उनकी। तो जैसे जब जी आई थी इंडिया में सॉफ्टवेयर सर्विसेज ढूंढने, या जब सुजुकी आई थी यहाँ पे गाड़ी बनाने, तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ये काइंड ऑफ आई कॉल आईफोन मोमेंट, ये एकदम केओस अमेजमेंट होगा यहाँ पे। इनफैक्ट ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि टिम कुक तो आए, उन्होंने पूरा हलाबलू बहुत ही शानदार स्टोर्स डाले, बट मैन्युफैक्चरिंग पहले शुरू हुई थी। अब हमारे टर्म्स पे, इंडिया के टर्म्स पे टेस्ला भी इच्छुक है सेटअप करने के लिए, चाइनीज कार मेकर्स आल्सो, चाइनीज कार मेकर्स। तो हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि वहाँ के दिग्गज कंपनीज यहाँ पे आके हमारे टर्म्स पे
तो ये बहुत स्ट्रक्चरल बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज है। एंड काफ़ी जो सप्लाई साइड रिफॉर्म सरकार ने किए थे कि आपके टैक्स रेट कम हुए, IBCI, GST ने पूरा एक मार्केट कर दिया, तो जो वेलोसिटी है देश में वो बढ़ गई। जबकि पहले हर जगह हम कहते थे ये एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी है कि ये 10 लोग को पकड़ के इनसे ज़्यादा टैक्स निकालो, तो ये जो वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस की कोशिश हो रही है, अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में थ्रू GST सब आ गए अंदर टैक्स नेट में, और वो बढ़ते ही जाएगा। और ये टोल नाके बंद हो गए, ऑक्ट्रॉय नाका बंद हो गया कि फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, तो रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुई है, एंड द एटीट्यूड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम कि लेट अस बी एन इनेबलर। और जो गरीब से गरीब इंसान है उसके घर में बिजली, सड़क, पानी, गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस उनके हेल्थ के लिए सब चीज़ पहुँचाया जा रहा है। तो ये एक्चुअल जो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए ग्रास रूट से, और फिर इंडस्ट्री में जो ये स्प्रेड हुआ है कि नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज डेफिनेटली गेटिंग बेटर। ये नहीं है कि हम इंडिया हैज़ बिकम 1, 2, 3 इन द वर्ल्ड, बट फ्रॉम 150 टू कम टू 50 ऑल्सो इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो आपके पास जब बात करते हैं मनीष जी की, आपने 30-35 साल बाजार का और इंडियन इकोनॉमी का चार्ट है आपके सामने, और जो जो इनपुट्स गए, जो 8-10 सालों में बदलाव आए हैं, जिस स्ट्रक्चरल चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, क्या सेटअप हो रहा है नेक्स्ट 10-20 ईयर का व्यू अगर हम लें तो किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, जैसे हर इंसान के मन में, हर परिवार में जो चाहत होगी कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अपने पेरेंट्स को अच्छा हेल्थ केयर दें, हम घूमें फिरें, ट्रैवल करें, एक्सपीरियंस करें, हमें बेटर एंड बेटर गुड्स मिले घर में, घर अच्छा हो, वो इट्स अ ह्यूमन ट्रेंड दुनिया भर में। तो जो अमेरिका में हुआ, फिर जो यूरोप में हुआ, फिर जो चाइना में हुआ, वो भी यहाँ होगा। और उसके आपके पास सारे आंकड़े हैं कि इतने सालों से, जब मैं बात करता हूँ कि 1997 में इंडिया और चाइना 1 मिलियन गाड़ी बेचते थे, आज इंडिया पहुँची है 3.5 मिलियन गाड़ी पे, चाइना है 26 मिलियन गाड़ी पे, और वो एवरेज गाड़ी टोयोटा ऑल्टिस है जी, नॉट की मारुति आल्टो। तो ये पोटेंशियल है कि क्या ग्रोथ हो सकता है गाड़ियों में, घरों में। आज हमारी टोटल AUM पूरे मॉर्गेज इंडस्ट्री की 700 बिलियन या ऐसे कुछ नंबर होगा, वहाँ पे $6 ट्रिलियन है, क्योंकि हर चाइनीज़ के पास घर है, इनफैक्ट एक्सेस घर बन गए वहाँ पे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुई है वहाँ पे अपने से 5 गुना ज़्यादा है। स्टील जो हम 100 मिलियन टन बनाते हैं वो ऑलमोस्ट 900 मिलियन टन बनाते हैं। हम 300 मिलियन सीमेंट कंज्यूम करते हैं, वो 2.2 बिलियन टन स्टील सीमेंट कंज्यूम करते हैं। फिर AC की बात करें, गर्मी की देश है, हम 6-7 मिलियन AC बेचते हैं, वहाँ पे 230 मिलियन AC बिकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है, ये सब होगा यहाँ पे अगले 10-12-15 सालों में, ये सब होगा, और हर कंपनी में ये बेनिफिट होगा। और इसके फेजिंग होते हैं ना, कि पहले तो आप सड़कें बनाएं, रेल रोड बनाएं, तभी तो लोग उस पर ट्रैवल करेंगे और होटल में पहुँचेंगे, तब कंज्यूमर बूम होगी वहाँ पे। तो देयरफॉर फेज़ वन में अपने जो कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, रियल एस्टेट है, ये सब में आप देख ही रहे हैं जो उछाल है, वो जस्टिफाइड है। और उसके अगले जो 5-10 साल में कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जो हम कहते हैं, गाड़ियों में घर के जो पदार्थ हैं, तो इम्प्रूवमेंट वो सब उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बट इस पूरे जर्नी में जो कंसिस्टेंट है वो है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वो एक तरीका बेस्ट वहीकल बेस्ट है, वहाँ बैठे रहिए। और ऐसा अगर आप आंकड़े भी देखें, जो हम जैसे हंसते थे बैंकों पे 5 साल पहले जब क्राइसिस में थे, आज आप नंबर देखिए, स्टैगरिंग नंबर्स है। 1.25 लाख करोड़ का प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट स्टेट बैंक में होगा, 1 लाख करोड़ से जस्ट HDFC में होगा, 50,000 तो आप ICICI में हो जाएगा, 30,000 इज PNB, BOB, कनारा बैंक, एक्सिस बैंक इज इवन हायर देन दैट। तो इतने जब लार्ज स्केल प्रॉफिट होते हैं और ये कंपाउंडिंग चालू करते हैं, जो इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे आता है, क्योंकि सब में ऑपरेटिंग लेवरेज आना शुरू होता है। तो लोग बहुत नैरोली देख रहे हैं कि आज NIM पीक हो गए हैं, बिग पिक्चर, केवल NIM पीक होने से आपका साइकिल खत्म नहीं हुआ, बिकॉज ये पूरा रनवे आपके सामने है। तो ये 10-20 साल व्यू तो बैंकिंग लंबा ट्रेंड है। तो 4-5 सी जो ट्रेंड है कि अपनी इंडिया ऑर्गेनाइज हो रही है जी, और फाइनेंशियलाइज हो रही है, उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। अब उसमें आप बैंक पसंद करें, आप इंश्योरेंस पसंद करें, डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट चीज़ चलेंगे, तो उस पर तो ध्यान होना ही चाहिए। अच्छा, आपको बड़ा बैंक लेना है, प्राइवेट लेना है, पब्लिक लेना है, छोटा लेना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक तो बहुत ही लंबा चौड़ा थीम ये है और ये 10 साल चलेगा। आज के हिसाब से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इज़ वेल नोन कि अल्टीमेटली यहाँ पे 3 मिलियन गाड़ी के बदले 10-15 मिलियन गाड़ी बिकेंगे, बट वो भाव आर डिस्काउंटिंग दैट जी। तो उसमें वक्त है, मे बी प्राइसेज इज नॉट राइट फॉर दैट टुडे इन ऑल कंज्यूमर कैटेगरीज, ठीक। तो लेटर का ट्रेंड है।
बीच में दो और चीज़ आते हैं आपके कि ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पोर्ट एयरपोर्ट ये जो 2000-2007 के बीच में ट्रेंड चला था इंफ्रास्ट्रक्चर बूम दैट बूम इज़ हियर एंड रियल और जबकि कंपनी बहुत कम रह गई और कंपनी बहुत कम रह गई हैं तो उसमें भी जो आज पूरा अर्निंग ग्रोथ जो आने वाला है वो डिस्काउंटेड नहीं है सो मल्टीपल ऊँचे लगते हैं बट यहाँ अर्निंग एक्सेलरेशन कैन बी ट्रिमेंडस तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पे हाथ डाल दो और वो चल जाएगा आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा जैसे इवन डिफेंस में था कि डिफेंस स्टॉक हैव रैली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ बट अब अगले हफ्ते जैसे मोदी जी जाएंगे US हो सकता है कुछ डील साइन हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो वो यहाँ भी बनाएंगे एक्सपोर्ट भी करेंगे तो अर्निंग प्रोफाइल चेंज हो सकती है सेकंड लेग आएगा उसके सो ये आपकी सॉर्ट ऑफ थर्ड थीम हो गई फाइनेंशियल्स कंज्यूमर देन व्हाट आई कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ऑल दैट चौथा है जो अपने प्लेटफॉर्म कंपनीज बन रहे हैं यहाँ पे सो आज आपको लगता है कि यू नो, भाव जोमेटो का ज़्यादा है या पेटीएम का ज़्यादा है या जो भी एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग द कंपनी बट जैसे ही इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में एक दो खिलाड़ी बच जाते हैं एंड वी स्टार्ट गेटिंग यूज टू दिस हैबिट जैसे देन द बिजनेस मॉडल जैसे पेटीएम विच आई यूज टू नॉट लाइक इन द पास्ट अब उन्होंने साउंड बॉक्स जो क्रिएशन की या जो क्रेडिट गारंटी एनहेंसमेंट करेक्ट सो अब बिजनेस मॉडल में ये दिखने लगा कि थोड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है अब उसका मैथ आप करके आपके हिसाब से आपके भाव पे जो समझ में आए यू नो दीज विल बिकम व्हाट आई कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस क्योंकि इवेंचुअली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज द डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार ने बनाई जैसे ONDC आएगा OCEN आएगा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस आ जाएगा ये पूरे प्लेटफॉर्म प्लेस हो जाएंगे यहाँ पे ये डिजिटल वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसमें एक दो खिलाड़ी हर इसमें जो लीडर बनेंगे इनमें डिसअपॉइंटमेंट आएगा भाव अच्छे मिलेंगे उस टाइम पे आप खड़े रहिए वहाँ पे अच्छा ओल्ड इकोनॉमी में आपको कुछ पसंद आ रहा है इस समय ओल्ड लाइक आई सेड इज दिस होल मैन्युफैक्चरिंग कि ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी कंडीशंस हैव बिकम वेरी वेरी कंड्यूसिव और ये अगर जब तक नहीं होगा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी नहीं क्योंकि यू हैव टू मूव पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड टू आउटसाइड ऑफ सिटीज़ That can only be solved with manufacturing or with back offices.